हेलो गाइस, सो आज हम सीट एट के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें हम आपको कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन जो हमारे यूपी टेट, सी टेट एंड केवीएस में काम आएंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इसमें हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये है पहला क्वेश्चन हमारा, ए चाइल्ड हु बिहेव अगेंस्ट द सोशल रूल एंड रेगुलेशन इज कॉल्ड। तो गाइस ये देखिए, इसमें फोर ऑप्शन दिए गए हमारे पास। फर्स्ट है बैकवर्ड चाइल्ड, सेकेंड है डल, एंड थर्ड इडियट, एंड फोर डेलिकेंट चाइल्ड। तो गाइस इसमें बताइए हमारा आंसर कौन सा करेक्ट होगा। तो आप सिलेटेट में और पैडागोजी में एक बात ध्यान रखिएगा, हम बच्चों को कभी ब्लेम नहीं करेंगे या उन पर हम कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं छोड़ेंगे। तो हम इसमें सबसे पहले हम इसमें लगाएंगे डेलिक्वेंट चाइल्ड, ये हमारा इसका आंसर होगा। डेलिक्वेंट चाइल्ड बेसिकली वो होते हैं जो किसी बात को ना मानते हो। बस इसमें हम बच्चों को डल नहीं बोलेंगे, वो डल है, बैकवर्ड है, उसको कुछ नहीं आता। तो बेसिकली हम बच्चों को कभी फॉल्ट नहीं होता इस चीज़ों में। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, ए टीचर इन क्लासरूम शुड एक्ट एज अ प्रोग्रेसिव रोल, ऑथोरिटरी रोल, डेमोक्रेटिक रोल एंड इन्फ्लुएंशियल रोल। तो जो हम बात करते हैं प्रोग्रेसिव एजुकेशन, हम बात कर रहे हैं प्रोग्रेसिव एजुकेशन की, तो हमारा टीचर भी जो होगा प्रोग्रेसिव रोल को प्ले करना चाहिएगा। ठीक है, तो इसमें हमारा थर्ड क्वेश्चन है, द मोस्ट अप्रोप्रिएट पर्पज ऑफ लर्निंग इज पर्सनल एडजस्टमेंट, सोशल एंड पॉलिटिकल अवेयरनेस, मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर एंड प्रिपेयरिंग ऑन सेल्फ फॉर एम्प्लॉयमेंट। बेसिकली जो लर्निंग होती है वो चेंज इन बिहेवियर होती है। आप किसी भी चीज़ में, तो जो हमारी ये साइकोलॉजी की जितनी भी थ्योरी है उसमें एक ही बात दी गई है कि लर्निंग जो बेसिकली है वो हमारे बिहेवियर में चेंज वाली। तो इसमें हम पर्सनल एडजस्टमेंट की, हम कैसे खुद को एडजस्ट कर रहे हैं, सोशल एंड पॉलिटिकल अवेयरनेस, ये हमारा एक बिल्कुल भी मुद्दा नहीं होता, इसमें होता है मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। तो थर्ड वाले क्वेश्चन में हमारा मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर ये आंसर हो जाएगा। फोर्थ वाले क्वेश्चन में आइए, इसमें हमारा, इन द लाइवली क्लासरूम सिचुएशन इज लाइक टू बी, फर्स्ट वाला है ओकेजन ओकेजनल लोअर ऑफ लाफ्टर, कंप्लीट साइलेंस, फ्रीक्वेंट टीचर स्टूडेंट डायलॉग, लाउड डिस्कशन अमंग स्टूडेंट्स। तो गाइस इसमें बताइए हमारा आंसर क्या होगा। फ्रीक्वेंट टीचर्स स्टूडेंट डायलॉग, जब हम एक दूसरे डाउट पूछेंगे तभी तो हमारे क्लियर होंगे और टीचर्स में और स्टूडेंट्स में एक अच्छा रिलेशनशिप सेटअप हो पाएगा। फोर्थ क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस इज जेंडर डिफरेंस, बॉडी स्ट्रक्चर, मेंटल एबिलिटीज, ऑल ऑफ द अबव। तो आप इसमें बताइए हमें आंसर होगा कौन सा सही। इंडिविजुअल डिफरेंस में हम कुछ भी मेजर कर सकते हैं, वो किसी भी तरीके से एक दूसरे से डिफरेंस हो सकते हैं, जेंडर वाइज डिफरेंस हो सकते हैं, बॉडी स्ट्रक्चर उनकी डिफरेंस हो सकती है, कोई फिजिकल हैंडीकैप है, कोई मेंटली रिटार्डेड है, मेंटल एबिलिटी उसकी डिफरेंस हो सकती है। तो हम इसमें ऑल ऑफ दिस, इसके हम सारे ही इंडिविजुअल डिफरेंस के सारे फीचर है या सारे फैक्टर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सिक्वेंस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए करेक्ट सिक्वेंस कौन सा है उसमें आपको ये बताना है। अब बताइए, सबसे पहले इन्फेंसी, एडोलसेंस, चाइल्डहुड, अडल्टहुड। इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडोलसेंट एंड अडल्टहुड, चाइल्डहुड, एडोलसेंस, अडल्टहुड एंड इन्फेंसी, चाइल्डहुड, इन्फेंसी, एडोलसेंस एंड अडल्टहुड। तो आप सेकंड वाले ऑप्शन पे फोकस कीजिए, सबसे पहले इन्फेंसी, उसके बाद चाइल्डहुड। चाइल्डहुड दो तरीके से होता है, लेटर चाइल्डहुड एंड अर्ली चाइल्डहुड, उसके बाद आता है एडोलसेंस एंड अडल्टहुड। तो ये हमारा एक सही सीक्वेंस है ह्यूमन डेवलपमेंट का। तो गाइस सेवेंथ क्वेश्चन देखिए, व्हेन द चाइल्ड इज रेडी टू लर्न ही लर्न मोर क्विकली एंड इफेक्टिवली, लॉज ऑफ लर्निंग रेडीनेस एक्सरसाइज इफेक्ट, दिस इज द प्रिंसिपल गिवन बाय। अब जो हमारे लॉज ऑफ रेडीनेस, लॉज ऑफ यू नो एक्सरसाइज, लॉज ऑफ इफेक्ट, वे तीन लॉज ऑफ प्राइमरी लॉज है, वो किससे रिलेटेड है, आप इसका आंसर बताइए जल्दी से। सेवन्थ क्वेश्चन है हमारा, सेवन थॉर्नडाइक, वेरी गुड। थॉर्नडाइक ने सारे लॉ दिए थे, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ रेडीनेस एंड लॉ ऑफ इफेक्ट। लॉ ऑफ रेडीनेस इसमें होता है कि जब बच्चा मेंटली और फिजिकली सीखने के लिए तैयार हो तो टीचर को वो एक मौका होता है, वो नहीं गंवाना चाहिए, जब बच्चा रेडी हो तो उसको हमें सिखा देना चाहिए। लॉ ऑफ एक्सरसाइज,
जो हमने सिखाया उसको रेगुलरली एक्सरसाइज करना चाहिए या उसको प्रैक्टिस करना चाहिए बेसिकली। लॉ ऑफ इफेक्ट, इसमें पता चलता है कि बच्चा कितना, मतलब उसको कितना सीखा उसने, कितना उस पर इफेक्ट आया उस चीज़ का। तो ये सारे लॉज थोड़ा नहीं देते। इन योर व्यू टीचिंग इज अ प्रोसेस एन आर्ट एन स्किल। सेकेंड एंड थर्ड, एट क्वेश्चन में बताइए, अ प्रोसेस एंड आर्ट एंड स्किल्स बताइए, एन आर्ट एंड स्किल्स, वेरी गुड। थर्ड फोर्थ ऑप्शन, एक आर्ट है जो हमारा टीचिंग है, मतलब पढ़ाने का तरीका बेसिकली आर्ट, और एक स्किल है। हु हैड गिवन हायरार्की ऑफ ह्यूमन नीड्स, थॉर्नडाइक, मैस्लो, गिलफर्ड एंड कफ्का। नाइन्थ क्वेश्चन में हम बताइए जल्दी से कि किसने जो हायरार्की ऑफ ह्यूमन नीड्स दिया था। सेकंड, वेरी गुड, मैस्लो। द कॉन्सेप्ट ऑफ जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट ZPD विच इज गिवन बाय, ये तो हमारी वाइगोस्की की एक इम्पोर्टेंट थ्योरी थी कि बच्चा अपने सोशल कल्चर से सीखता है। तो ये बेसिकली फोर्थ क्वेश्चन, इसका फोर्थ ऑप्शन सही होगा। ये हमारा किसने दिया था, वाइगोस्की। साइकोलॉजिकल टाइप ऑफ थ्योरी द पर्सनल पर्सनैलिटी इज गिवन बाय, बताइए, हिपोक्रेट्स, ये क्या, कैट्समर, शेल्डन एंड स्प्रिंजर। ये देखिए नाम भी अजीब अजीब से, आप बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। 11 में जो साइकोलॉजिकल टाइप ऑफ थ्योरी है वो स्प्रिंजर ने दी थी, ठीक है। 12th क्वेश्चन पे आते हैं, द स्टेटमेंट विच इज नॉट ट्रू इन केस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। अभी हमने ऊपर पढ़ा है इंडिविजुअल डिफरेंस, बेसिकली हम उसके फिजिकल अपीयरेंस, मेंटली, जो भी एक किसी भी चीज से डिफरेंस हो वो इंडिविजुअल डिफरेंस होता है उस बच्चे का, पर्सनली या किसी भी ह्यूमन का। इंडिविजुअल डिफरेंस इज अ काइंड, इंडिविजुअल डिफरेंस इज अ डिग्री इन अ डिग्री, इंडिविजुअल डिफरेंस इन बोथ डिग्री एंड काइंड, इंडिविजुअल डिफरेंस नाइदर इन डिग्री नॉर इन काइंड। आप 12th का आंसर दीजिए जल्दी से। इंडिविजुअल डिफरेंस बोथ इन डिग्री एंड काइंड, इंडिविजुअल डिफरेंस जो है वो किसी भी तरीके से हो सकता है, उसके किसी भी प्रकार से या इसी उसकी भी उसकी किसी भी एबिलिटी से बेसिकली। डिग्री का मतलब एबिलिटी है यहाँ पे। आप मुझे 13th क्वेश्चन बताइए, टीचिंग प्रोजेक्ट टीचिंग मेथड इज एसोसिएटेड विद, जो प्रोजेक्ट मेथड है टीचिंग का वो किसने दिया था, आप बताइए, फ्रोबेल, जॉन डोई, एडमस्ट्रॉन्ग या MC Dougal। 13th क्वेश्चन है हमारा, जल्दी बताइए। ये जॉन डोई का जो प्रोजेक्ट मेथड है ना, ये जॉन डोई ने दिया था। अब हम आते हैं 14th क्वेश्चन पर, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम DPEP इज लॉन्च इन ईयर, ये जो DEPE जो हमारा प्रोग्राम है लर्निंग का, ये किसने किस ईयर में मतलब लॉन्च किया गया था। 14th क्वेश्चन है हमारा, 14th, 1993, वेरी गुड। द ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग इज टू क्रिएट गुड सिटीजन्स, टू क्रिएट पर्सनल हु आर यूजफुल फॉर द सोसाइटी, क्रिएट सोशलिस्टिक पर्सन, ऑल ऑफ द अबव। मेरे हिसाब से तो यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन फोर आंसर सही होना चाहिए, 15th का 4, क्योंकि हमें जो हम बनाते हैं लर्निंग, जो हमारा टीचिंग का ऑब्जेक्टिव होता है, कोई ये सारे हम कि उसको अच्छा सिटीजन बना पाए, वो हमारी सोसाइटी के लिए हेल्पफुल हो, और ये है क्रिएट सोशलिस्टिक पर्सन, मतलब जैसे हम टीचर ही मान लो यार, टीचर है कि वो टीचर अपनी सोसाइटी को अच्छा रखते हैं, उनको सिटीजनशिप अच्छी, मतलब एक सही सिविलाइज लोग होते हैं वो। द फ्रोबेल एम्फेसिस विच ऑफ द गेम विच ऑफ द अबव गेम, फ्रोबेल ने कौन सा गेम दिया था लर्निंग के रिगार्डिंग, आप मुझे ये बताएंगे। 16th क्वेश्चन ये है, बेल गेम, ब्लॉक गेम, फिंगर गेम, ऑल ऑफ द अबव। फ्रोबेल ने बेसिकली ये वो लर्निंग बाय डूइंग बेसिकली उस पर ज़्यादा फोकस करते थे कि गेम बच्चा जितना खेलेगा उतना वो ज़्यादा अच्छा सीख पाएगा। तो जॉन डूई फ्रोबेल ने चारों ये गेम दिए थे। एक्सपेरिमेंटल मेथड वाज फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोड्यूस बाय, जो एक्सपेरिमेंटल मेथड था वो सबसे पहले विलियम वुंट ने उसको इम्प्लीमेंट किया था या लॉन्च किया था। अब हमारा आता है 18th क्वेश्चन, द थिंग्स इन चाइल्डहुड इज नॉट मार्क्ड बाय, एगोसेंट्रिज्म, एनिमिज्म, रियलिज्म एंड इंडिविजुअलिज्म। जो हम थिंकिंग है हमारी चाइल्डहुड में वो एक मार्क नहीं की जाती, वो कौन सी हमारी वो जो बेसिकली इमोशंस है वो क्या है। 18th का हमारा 4, इंडिविजुअलिज्म, थिंकिंग इन चाइल्डहुड इज नॉट मार्क्ड बाय इंडिविजुअलिज्म, ठीक है। टीम टीचिंग, एक मिनट रुकिएगा प्लीज।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 क्वेश्चन है टीचिंग में, टीम टीचिंग इन्वॉल्व टीम ऑफ टीचर्स टू ऑप्टिमाइज रिसोर्सेज इंटरेस्ट एंड एक्सपर्टीज इज अ वे आउट टू मैनेज विद द शॉर्टेज ऑफ टीचर्स. थर्ड ऑप्शन है हमारा एनकरेज हेल्दी कॉम्पिटिशन अमंग टीम ऑफ टीचर्स इन अ स्कूल. फोर्थ ऑप्शन है इन्वॉल्व स्मॉल टीम ऑफ स्टूडेंट्स एज पर देयर एबिलिटी. अभी बताइए टीम टीचिंग जब हम एक साथ मतलब एक तरह से ग्रुप में पढ़ते हैं. इन्वॉल्व टीम्स ऑफ टीचर टू ऑप्टिमाइज रिसोर्सेज इंटरेस्ट नो. दिस इज द वे टू मैनेज विद अ शॉर्टेज ऑफ टीचर नो. ऐसा तो है नहीं कि अगर टीचर की शॉर्टेज है तो हम टीम टीचिंग करा देंगे, ऐसा तो नहीं होता बिल्कुल भी. एनकरेज हेल्दी कॉम्पिटिशन अमंग द टीम ऑफ टीचर्स इन ए स्कूल. ये भी नहीं है कि हम टीचर्स में कॉम्पिटिशन करें. इन्वॉल्व स्मॉल स्टूडेंट्स एज पर देयर एबिलिटी. फोर्थ ऑप्शन में तो एक ऐसा हो गया कि हम बच्चों को टैग कर रहे हैं कि उनकी एबिलिटी के अनुसार उनको एक तरह इकट्ठा कर दिया. तो इसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट जो हमारा आंसर होगा फर्स्ट होगा इन्वॉल्व टीम ऑफ टीचर्स टू ऑप्टिमाइज रिसोर्स इंटरेस्ट एंड एक्सपर्टीज. हम बच्चों को ऑप्टिमाइज करेंगे कि मतलब टीम बैठेगी एक पूरी उसमें देखेंगे कि बच्चा कैसे कर रहा है. अब हमारा 20 क्वेश्चन है हु हैड डेवलप्ड चाइल्ड एप्रिसिएशन टेस्ट. इसमें है मोरी बेलकेट रेबोट एंड रीजनिंग. तो इसमें बेलकेट ने हमारा चाइल्ड डेवलपमेंट